गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज यह कोई सब्जेक्ट की वीडियो नहीं है, किसी रिलेटेड नहीं, यह वीडियो है टीचर्स से जो टीचर की तैयारी करते हैं, जो टीचर्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ नई शिक्षा नीति पे आज बात करेंगे, जो 2019 की नई शिक्षा नीति है जिसे PMO कार्यालय ने मंजूरी दे दी है। PMO कार्यालय ने मंजूरी दे दी है इसके लिए। इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मैसेज कर रहे थे कि सर आप नई शिक्षा नीति पे बताइए क्या है, क्योंकि यह जो नीति आई है 650 पेज की है, तो यह 750 पेज की है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैंने इससे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वह मैंने इस वीडियो में बताया है। या कि इस वीडियो को आप कृपया अंत तक देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर मालूम हो जाएगी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इस शिक्षा नीति में, और कैसे इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षाकर्मी और शिक्षा मित्रों का खेल ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब इनका भर्ती नहीं की जाएगी, जो भी टीचर रखे जाएंगे परमानेंट रखे जाएंगे 2022 तक कैसे होंगे, संपूर्ण जानकारी पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी पात्रता पे कि अब अध्यापक बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या पात्रता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो देखिए इसे लागू कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। यह नीति जो है आपको 15 अगस्त से देखने को मिलेगी, क्योंकि MHRD मिनिस्टर ने, मंत्रालय ने इसे मंजूरी देने के लिए कार्यवाही तेज कर दी है। अब देखिए इस शिक्षा नीति की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, इसके पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिटेल से डिस्कस करूं। इस चीज़ को आप लोग PDF फाइल के जो शिक्षा नीति के थे मैंने उसके कट करके यहाँ पर लगाया है, इसे आप देखिए, मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रियाएं, अगर प्रक्रियाओं पे बात करें शिक्षक नियुक्ति की, तो इस शिक्षक नियुक्ति के लिए पहले जो क्या होता था कि प्राइमरी के लिए टेट होता था, जूनियर के लिए टेट होता था, लेकिन अब इस चीज़ को आगे बढ़ा के इंटरमीडिएट और माध्यमिक कॉलेजों में भी टेट के लिए कर दिया गया है। अगर इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ें तो देखिए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, अब शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक, प्रोसीजर की बात करें अगर तो वो क्या होने जा रहा है। अब देखिए, अब नियुक्ति के लिए पहली स्क्रीनिंग टेट से होगा, वर्तमान मौजूद टेट्स को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा जिससे अभिलाषी शिक्षकों की क्षमता और ज्ञान अधिक सर्वाधिक प्रश्न सुनिश्चित होगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों यानी बुनियादी, प्राइमरी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक को शामिल करते हुए टेट को विस्तार किया जाएगा। अब देखिए, अब इस पॉइंट को आप लोग गौर करेंगे कि जो हम लोग के इसमें क्या है, पहले स्टेज में देखिए 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। 3 स्टेज के एग्ज़ाम में अगर बात करें तो पहले स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जैसे आप लोग कक्षा एक से 5 के लिए देते थे और दूसरा 5 से 8 के लिए देते थे, जूनियर और प्राइमरी टेट देते थे। अब इसको बढ़ा के प्राइमरी और जूनियर के अलावा इंटर कॉलेजों को भी शामिल कर लिया। अगर आपको सपोज दैट, अगर आपको TGT या PGT देना है तो TGT PGT के लिए भी अब अलग से टेट होगा और उस टेट को क्वालिफाई करना होगा। उस टेट की क्वालिफाई करने के बाद आप अगले लेवल पे जाएंगे, तो यानी फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको टेट देना पड़ेगा प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज के लिए। और यह एग्ज़ाम इतना कठिन बना दिया गया है कि इसे पास करने के बाद आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होंगे ओरिएंटेड टीचर के लिए, जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जैसे हिंदी के लिए होते हैं, इंग्लिश के लिए होते हैं, मैथ के लिए होते हैं, तो इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंटर कॉलेजों में रखे जाएंगे जो रखे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज टीचर उसके लिए कंडक्ट कराएगा। और इसको कंडक्ट कराने की संस्था NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी हमारे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम UGC, NET, प्रोफेसर वगैरह के कराती है, इसके एग्ज़ाम कराएगी। और
इसमें भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर से डिग्री कॉलेज में रखे जाएंगे, उसका भी एग्जाम सब्जेक्ट वाइज कराएगा, ये पात्रता परीक्षा होगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको अगले लेवल में ले जाया जाएगा, यानी लेवल 3। सेकेंड होगा आपका स्क्रीनिंग। इसकी स्क्रीनिंग की क्या पारदर्शिता, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू के अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। अब देखिए, इंटरव्यू में नंबर होंगे आपके और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का लेक्चर आपको कमेटी होगी उसके सामने पढ़ाना होगा, या कमेटी BRC जिलों पे जो होगी वहाँ पे जाके इंटर कॉलेज में प्राइमरी वहाँ BRC के सामने पढ़ाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे और इसी के बेस पे आपके सलेक्शन होगा। यह 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा टीचिंग पे भी पॉइंट है। टीचिंग के इन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अगर आप टीचिंग अच्छी करते हैं तो आपको इसके लिए अधिक से अधिक नंबर दिए जा सकते हैं और लीक से हट के आपको सैलरी दी जा सकती है। और जो प्रोविजन पीरियड रहा, बढ़ गया है हम लोग का प्रोविजन पीरियड, अब क्या किया, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन पीरियड हमारा 3 वर्ष का हो गया है। देखिए मिस्टेक यहाँ 4 हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको 3 वर्ष कर लीजिए, ठीक 3 वर्ष का प्रोविजन पीरियड हो गया है, 3 वर्ष का, ठीक 4 नहीं हो 3 वर्ष है, प्रोविजन पीरियड हमारा 3 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष के दौरान आपके एग्जाम देने पड़ेंगे, इसमें छात्रों और अभिभावकों, जो छात्र के पेरेंट्स होंगे उनके अभिभावकों के मूल्यांकन आपका करेंगे कि आप कैसा हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी काटी भी जा सकती है और आपका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ को पहले केवल HRA मिलता था, अब वहाँ पर आपको घर देने की सुविधा भी हो गई है। HRA के अलावा आपको वहाँ पे घर बनाए जाएंगे, इससे क्या होगा कि गुणवत्ता, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा। अगर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो इसको अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंटों में, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों में अगर हम देखेंगे तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। BRC पे आपको इंटरव्यू देना होगा जिसमें आपको सभी माध्यम से पढ़ाना होगा कि आप दिखा सकें बच्चों कैसे पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा नीति में तो आप अपने ईमेल माध्यम से दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर शिक्षा नीति अच्छी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, इस गुणवत्ता के लिए इच्छित छात्र शिक्षक अनुपात की प्राप्ति, इसमें जो कितने छात्र शिक्षक रहेंगे उसके लिए भी प्रावधान किया जाएगा, और स्थायी शिक्षकों के साथ साथ विविधता सुनिश्चित की जाएगी, ये भी सही है। शिक्षकों का किसी खास स्कूल कॉम्प्लेक्स में पदस्थापना, अच्छा किसी विशेष स्कूल में भी ट्रांसफर के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। अब अच्छे टीचर जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आई, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, क्यों बहुत से टीचर शहरों में रहना चाहते हैं सुविधाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, और उसके लिए आपको शिक्षा प्रेरित प्रोत्साहन निर्धारित किया जाएगा जिसमें आपको सैलरी वगैरह भी ज़्यादा मिल सकती है। देखिए इसके अलावा भी होगा पैरा टीचर्स, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना था, पैरा टीचर प्रैक्टिस खत्म करना। 2022 तक देश भर में पैरा टीचर या शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र या शिक्षा सहायक जो भी होते हैं, व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। यह इस वजह से किया जाएगा, शिक्षक पूरी तरीके से अपने काम प्राप्ति में ही समुदाय के साथ लंबे समय तक संबंध बनाए, गहरे संबंध बना सकते हैं। यानी आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा मित्र और शिक्षा कर्मी के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, आपकी नियुक्ति परमानेंट होगी। अब देखिए, इसके अलावा भी टीचर प्लानिंग की आवश्यकता को भी इसमें बल दिया गया है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुकूल स्कूल एवं वातावरण की संस्कृति, इस चीज़ों को भी इसमें डेवलप किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये PDF फाइल आपको लिंक में दे दूंगा, आपको वहाँ से इसकी प्रोवाइड हो जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। और नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है उसको, उस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या उसमें बदलाव है, और आप लोग को अगर टीचर बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए समर्पित है, और आप लोग इसके माध्यम से यह समझ सकते हैं कि नई शिक्षा में आपकी पात्र, इसके लिए पात्र हैं कि नहीं हैं, और आप लोग आगे की स्ट्रेटजी क्या करेंगे, और भावी टीचर जो होने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो किस लेवल पे आने वाली कठिनाइयाँ वो कैसे उसे रिजॉल्व करेंगे। और ये रही हमारी एक शॉर्ट वीडियो जो कंप्लीट रूप से नई शिक्षा नीति जो आई है, जो 15 अगस्त से लागू होने जा रही है, उस पर मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।
और एक बात आपसे भी कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आगे जुड़ी इससे रिलेटेड, आपको मैं पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या है। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें, और अगर आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबा लें, जिससे कोई वीडियो मैं डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी नई शिक्षा नीति पे। ओके, थैंक यू वंस अगेन।